इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड 11 डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नॉर्मली एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग, सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर सबके लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, जिन्हें याद रख पाना कन्फ्यूजिंग होता है। यहाँ हम इन सभी तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बिना किसी फार्मूले को याद रखे किरचॉफ के नोड एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में टोटल 8 टर्मिनल्स होते हैं, जिनमें से यहाँ हमने केवल 3 टर्मिनल डिस्प्ले किए हैं। नेगेटिव सिंबल वाला टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, क्योंकि इस टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज आउटपुट में 180 डिग्री से इन्वर्ट होकर मिलती है। पॉजिटिव सिंबल वाला टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, क्योंकि इस टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज आउटपुट में बिना इन्वर्ट हुए मिलती है। और थर्ड टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, इसलिए करंट इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में से फ्लो ना होकर सीधे ही बाईपास के लिए दिए गए रेजिस्टेंस RF से होकर फ्लो हो जाती है। इस रेजिस्टेंस को फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं। फीडबैक रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में यह क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वह वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन की वजह से हमेशा ही नोड पॉइंट A पर अपीयर होता है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेज में एक तरह का वोल्टेज गेन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वैल्यू ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर डिपेंड करती है। इस वीडियो में हम वर्चुअल ग्राउंड या किरचॉफ के करंट और वोल्टेज रूल जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। इन टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट पर किरचॉफ के नोड एनालिसिस को अप्लाई कैसे करेंगे। इनपुट में कोई वोल्टेज अप्लाई करने पर रेजिस्टेंस R1 से एक करंट I1 फ्लो होती है, बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हाई इनपुट इम्पीडेंस की वजह से यह करंट नोड पॉइंट A पर रेजिस्टेंस RF से होकर फ्लो होने लगती है। ऐसे में नोड पॉइंट A पर एंटर होने वाली करंट इक्वल होनी चाहिए आउटगोइंग करंट के, सो I1 इक्वल होगा I2 के। I1 करंट की बात करें तो यह R1 रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स पर अप्लाइड वोल्टेज के डिफरेंस और रेजिस्टेंस R1 के रेशियो के इक्वल होगा। इसी तरह करंट I2 रेजिस्टेंस RF से होकर फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू RF के दोनों टर्मिनल्स पर अप्लाइड वोल्टेज के डिफरेंस और RF के रेशियो के इक्वल होगा। एक्सरसाइज नंबर 1, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। दिए गए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर अप्लाई किया गया है, सो यह एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाएगा। नोड पॉइंट A पर I1 करंट इक्वल होगी I2 करंट के। मान लें कि नोड पॉइंट A पर वोल्टेज VA है, तो करंट I1 की वैल्यू Vi-Va/100 kΩ और I2 की वैल्यू Va-Vo/500 kΩ होगी। चूँकि I1 की वैल्यू 2 वोल्ट दी गई है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है, इसलिए वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से VA की वैल्यू 0 होगी। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -10 वोल्ट आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनपुट वोल्टेज को इन्वर्टिंग टर्मिनल की जगह नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है, इसलिए यह नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाएगा। अगेन एट नोड पॉइंट A I1 इक्वल होगा I2 के। I1 की वैल्यू 0-Va/100 kΩ और I2 की वैल्यू Va-Vo/500 kΩ होगी। हम जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से होकर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पर सेम पोटेंशियल हो, मतलब बी टर्मिनल पर भी 2 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन की वजह से यह वोल्टेज VA पर भी अपीयर होगा, तो इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट आता है। एक्सरसाइज नंबर 3, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक इनपुट की जगह 3 इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। यहाँ ध्यान दें तो नोड पॉइंट A पर 3 करंट एंटर हो रही है और एक करंट बाहर जा रही है, तो नोड एनालिसिस से I1, I2 और I3 का सम I4 के इक्वल होगा। I1 करंट की वैल्यू -2-Va/200 kΩ, I2 की वैल्यू -2-Va/250 kΩ, I3 की वैल्यू -1-Va/500 kΩ और I0 की वैल्यू Va-Vo/10 kΩ होगी। वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से नोड पॉइंट A पर पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट आता है। एक्सरसाइज नंबर 4 में दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई किया गया है। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सब्ट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं।
इस बार सबसे पहले नोड पॉइंट बी पर ध्यान दें, तो इनपुट वोल्टेज V1 की वजह से फ्लो होने वाली करंट नोड पॉइंट बी से होकर ग्राउंड हो जाती है। ऐसे में अगर नोड पॉइंट बी के लिए नोड एनालिसिस करें तो I1 इक्वल होगा IG के। I1 की वैल्यू V1 - VB/20 kΩ और IG की वैल्यू VB-0/20 kΩ होगी। इसे सॉल्व करने पर नोड पॉइंट बी पर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट आता है। यही पोटेंशियल वर्चुअल ग्राउंड की वजह से नोड पॉइंट ए पर अपीयर होगा। अब नोड पॉइंट ए के लिए नोड एनालिसिस करें तो I2 इक्वल होगा I0 के। I2 की वैल्यू V2 - VA/150 kΩ और I0 की वैल्यू VA-V0/300 kΩ होगी। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -2.5 वोल्ट आता है। एक्सरसाइज नंबर 5, इस दिए गए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कंपेयर करें तो इसमें फीडबैक रेजिस्टेंस को हटाकर डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, मतलब RF 0 है, और इनपुट रेजिस्टेंस को हटा दिया गया है जिसकी वजह से RI इन्फिनिट है। चूंकि इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है, इसलिए इन वैल्यूज़ को अगर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज में पुट करें तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल आता है। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बफर सर्किट या वोल्टेज फॉलोअर या यूनिट फॉलोअर कहते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 1 है, वो भी बिना किसी फेज रिवर्सल के। एक्सरसाइज नंबर 6 में एक 3-स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया है जिसका आउटपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही तीनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन भी दिए गए हैं। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट, कि इनपुट वोल्टेज फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर अप्लाइड है तो इसके लिए इसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगा, जिससे सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह आउटपुट थर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगा। सेकेंड मेथड सिंपल है। किसी भी मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्टेड हो, उसका टोटल वोल्टेज गेन इंडिविजुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का मल्टीपल होता है। दिए गए क्वेश्चन में तीनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन दिए गए हैं। वोल्टेज गेन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में है। पॉजिटिव का मतलब है कि यह एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, और नेगेटिव का मतलब है कि यह एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है। तो इस 3-स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टोटल वोल्टेज गेन +48 होगा। चूँकि इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज +96 वोल्ट होगा। अगर क्वेश्चन में वोल्टेज गेन गिवन ना हो तो सबसे पहले सभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के उनके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग होने के अकॉर्डिंग वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लें। यह एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसे इंस्ट्रूमेंटेशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। यह सर्किट इसका डिफाइंड सर्किट डायग्राम है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यह प्रोपोर्शनैलिटी इसके फीडबैक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। नोड एनालिसिस से सॉल्व करने पर एक इंस्ट्रूमेंटेशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज यह आता है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पर आउटपुट वोल्टेज -6 वोल्ट आती है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक रेजिस्टेंस को हटा दिया गया है। फीडबैक रेजिस्टेंस के एब्सेंस में इसे ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग किसी भी तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर फीडबैक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन इन्फिनिट आता है। एक ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी इन्फिनिट वोल्टेज गेन प्रोड्यूस करता है, मतलब इनपुट में कितना भी वोल्टेज अप्लाई करें आउटपुट में वोल्टेज इन्फिनिट ही मिलेगी। दिए गए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो क्या इसका आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिट होगा? नहीं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 टर्मिनल VCC और VEE भी होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक फिक्स्ड रीजन में ही वर्क कर सके। ये दोनों टर्मिनल कभी भी आउटपुट वोल्टेज को उनके दिए गए वैल्यू से एक्सीड नहीं होने देते। चूँकि दिए गए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में VCC और VEE +15 वोल्ट से -15 वोल्ट है, तो आउटपुट वोल्टेज कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा, भले ही इसका वोल्टेज गेन इन्फिनिट हो। 2 वोल्ट का इनपुट अप्लाई करने पर आउटपुट इन्फिनिट आना चाहिए, लेकिन VCC और VEE की वजह से यह +15 या -15 वोल्ट ही आउटपुट दे पाता है। लेकिन +15 वोल्ट या -15 वोल्ट, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सा है। चूँकि इनपुट वोल्टेज +2 वोल्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है, तो आउटपुट वोल्टेज 180 डिग्री के फेज रिवर्सल के साथ मिलेगी।
तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज -15 वोल्ट होगा। यह भी एक ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, बट इस बार इनपुट वोल्टेज न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं बल्कि वोल्टेज के वेवफॉर्म में दी गई है। जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में जाना कि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज +VCC और -VEE को एक्सीड नहीं कर सकता। इस एग्जाम्पल में दो बातें ध्यान रखने की हैं। फर्स्ट, इनपुट वोल्टेज कौन से टर्मिनल पर अप्लाइड है, और दूसरी ये कि इनपुट वोल्टेज का फेज भी कांस्टेंट नहीं है। हाफ साइकिल के बाद इसका फेज रिवर्स हो गया है। फर्स्ट हाफ फेज की बात करें तो वोल्टेज पॉजिटिव फेज में है और इसे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है, तो आउटपुट वोल्टेज का फेज 180 डिग्री से चेंज होकर -∞ हो जाना चाहिए, बट VEE की वजह से ये -15 वोल्ट तक ही जा पाता है। सेकेंड हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज का फेज नेगेटिव है और इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से इसका फेज 180 डिग्री चेंज हो जाता है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में इन्फिनिट होनी चाहिए, लेकिन VCC की वजह से यह 15 वोल्ट पर कांस्टेंट हो जाती है। सो एक इनपुट साइन वेव का आउटपुट स्क्वायर वेव है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी किया जाता है, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। यह एक डिफ्रेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया गया है। एक कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1/jωC होता है। अगर जे ओमेगा को एस से डिनोट करें तो यह 1/sC होगा। इसी तरह एक इंडक्टर का इम्पीडेंस जे ओमेगा एल होता है, तो इसे SL लिखते हैं। नाउ प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, लेकिन मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए इन्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में चेंज करना होगा। फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में चेंज करने पर एस की टर्म d/dt से और 1/s की टर्म इंटीग्रल dt से रिप्लेस हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोड पॉइंट ए पर I1 इक्वल होगा I2 के। I1 की वैल्यू Vi-Va अपॉन 1/sC और I2 की वैल्यू Va-V0 अपॉन R होगी। वर्चुअल ग्राउंड की वजह से Va 0 होगा। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -RSC Vi आता है। यह इक्वेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। इसे टाइम डोमेन में चेंज करने के लिए S को d/dt से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा करने पर आउटपुट वोल्टेज -RC d/dt Vi मिलता है, जो कि एक डिफरेंशिएटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज है। अगर मान लें कि इनपुट वोल्टेज साइन 1000t है, फीडबैक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड का है, तो इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -cos 1000t मिलता है, जो कि इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन है। नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम में डिफरेंशिएटर के कंपैरिजन में कैपेसिटर और फीडबैक रेजिस्टेंस को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है। इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। अगेन एट नोट पॉइंट ए, करंट I1 इक्वल होगा I2 के। I1 की वैल्यू Vi-Va अपॉन R और I2 की वैल्यू Va-V0 अपॉन 1/sC होगी। इसे सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज -1/RSC Vi आता है। आउटपुट वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में शिफ्ट करने के लिए 1/s को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज -1/RC ∫Vi dt आता है। अब अगर मान लें कि इनपुट वोल्टेज साइन 1000t है, तो इस इक्वेशन में पुट करने पर आउटपुट वोल्टेज cos 1000t आता है, जो कि साइन का इंटीग्रेशन है। मैथमेटिकली साइन टी का इंटीग्रेशन -cos t होता है, बट इनपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करने की वजह से एक एडिशनल नेगेटिव की टर्म आती है।